नई माँ के लिए न्यूबॉर्न बेबी को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसे में आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट बताने वाली हूँ जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। तो हर बच्चा अलग होता है और सबकी जरूरतें अलग अलग होती हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चा कितना बड़ा है और बच्चा कितना दूध पी रहा है, कितने उसके दूध की जरूरत है। स्टार्टिंग डेज में बच्चे ज़्यादातर सोते रहते हैं, यानी कि आपको खुद से उठा के बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, यानी कि 2 से 2.5 घंटे के बीच में आपको दूध पिलाना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग डेज में आप जितना ज़्यादा बच्चे को दूध पिलाएंगे तो आपका जो मिल्क सप्लाई है वो भी दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा और जो बच्चा है उसको भी एक प्रैक्टिस होगी दूध चूसने की, वो भी सीख जाएगा दूध चूसना और निगलना। क्योंकि स्टार्टिंग डेज में बच्चों को ये नहीं पता होता है कि कैसे दूध चूसा जाता है। और अगर आप ज़्यादा टाइम तक गैप करते रहेंगे, जैसे 5 से 6 घंटे आपने गैप कर दिया या 4 से 5 घंटे आपने गैप कर दिया, तो उस बीच में बच्चा फिर दूध पीना भूल जाता है। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो ज्यादा दूध पीना स्टार्ट कर देता है और ज्यादा टाइम तक भी वो ब्रेस्ट फीडिंग कर पाता है। तो जब थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो जाए तो उसके बाद आप 3 से 4 घंटे भी गैप कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं उनका पेट बहुत ज्यादा छोटा होता है, उसमें थोड़ा सा ही दूध आता है, और जब वो जैसे सुसु कर लेते हैं या पॉटी कर लेते हैं तब उनका पेट तुरंत ही खाली हो जाता है। और माँ का दूध जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है और बच्चे जल्दी डाइजेस्ट कर लेते हैं। अगर बच्चा आपका फॉर्मूला मिल्क पीता है तब वो थोड़ा सा टाइम लगा सकता है, सोता रहेगा आराम से, लेकिन अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तब वो बार बार उठेगा, हर 2 से 2.5 घंटे में वो उठेगा और हर 2 से 2.5 घंटे में आपको फीड कराने की जरूरत। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा वो सॉलिड पे आ जाएगा 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद फिर आप सॉलिड भी दे सकते हैं, स्तनपान भी करा सकते हैं और धीरे धीरे फिर स्तनपान आप छुड़ा भी सकते हैं। एक पर हम बात करने वाले हैं बर्पिंग की। तो न्यूबॉर्न बेबी को हमें डकार दिलाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे बच्चे के शरीर में जो गैस बन जाती है और वो डकार के थ्रू बाहर निकल जाती है, जिससे बच्चे के शरीर में दर्द नहीं होता है, मरोड़ पेट में नहीं होती है और बच्चा काफ़ी ज़्यादा ठीक रहता है, अच्छे से सोता है, अच्छे से दूध पी पाता है। जब बच्चे के पेट में गैस बनती है तब बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बच्चे चिड़चिड़ाते हैं और काफ़ी ज़्यादा रोते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका भी अभी अभी बच्चा डिलीवर हुआ है, आपके पास भी एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि उसको दूध पिलाने के बाद डकार जरूर दिलानी है। आप डकार के कई सारे पोजीशन अपना सकते हैं, जैसे आपने न्यूबॉर्न बेबी को कुछ इस तरह से आप हल्का सा आधा लेटे हुए स्थिति में हो गए, पीछे पिलो रख के और पेट के सहारे उसे इस तरह से किया और आपने इस तरह से उसका हाथ फेरा और जो एक ये वाला हाथ है इसको हिप्स पे लगाया, हिप्स पे लगा के उसका सिर ऐसे करके और फिर इस तरह से आपको हाथ फेरना है, ऐसे आप डकार दिला सकते हैं। आप खड़े होके भी डकार दिला सकते हैं, जैसे बच्चे को आपने ऐसे पीठ पे ले लिया और थोड़ा सा आपको आपने टहला और सिर उसका कंधे पे आ गया और हाथ फेर के इस तरह से भी आप बच्चे को डकार दिला सकते हैं। अगर बच्चे को आप सही तरह से डकार नहीं दिलाएंगे तब बच्चे के मुँह में गले में जो दूध भरा हुआ है वो बाहर बच्चा उलट देगा। इसलिए बच्चे को स्टार्टिंग डेज में एक तो उसका पेट नहीं दबना चाहिए, दूसरा उसको डकार दिलाना चाहिए, सही पोजीशन में दिलाना चाहिए ताकि बच्चे को कोई गैस या मरोड़ या पेट दर्द की समस्या ना हो। अगर बच्चे को गैस, पेट दर्द, मरोड़ की समस्या होती भी है तो आप और भी वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं कि बच्चे को गैस हो जाए तब क्या करें, बच्चे को कैसी एक्सरसाइज कराएं, क्या लगाएं, तो वो वीडियोस भी आप जरूर देखिए, इससे आपको काफी सारी जानकारी मिल जाएगी। थर्ड पॉइंट पर हम बात करेंगे शिशु के नाभि की देखभाल की। तो डिलीवरी के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को काटकर ही माँ को और बच्चे को अलग किया जाता है। तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको काट दिया जाता है और जो छोटा सा हिस्सा बचता है जिसपे प्लास्टिक का एक क्लिप लगा दिया जाता है वो टूट उसको कहते हैं, वो बना रहता है। अगर हम उसकी ठीक से देखभाल नहीं करेंगे तब उसमें इन्फेक्शन बन जाता है और बच्चे को काफ़ी सारी प्रॉब्लम इसमें फेस करनी पड़ सकती है, या फिर उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, गंदगी जमा हो सकती है। तो इसके लिए आपको गर्म पानी लेना है और कॉटन का कपड़ा लेना है या कॉटन लेना है, उसको गर्म पानी में डिप करके उसको अच्छे से पोंछना है, उसको साफ करना है, उसके बाद उसको नॉर्मल सूखने देना है, नॉर्मल हवा में सूखने देना है, अलग से कोई हवा चलाने की ज़रूरत नहीं है। इससे बच्चा का जो वो ठूट है उसकी हम इस तरह से केयर कर सकते हैं और इससे बच्चे को इन्फेक्शन से हम बचा सकते हैं। अगर आप बच्चे को डायपर पहनाते हैं तो ठूंट के नीचे ही डायपर को रखना है या पैंट या पाजामे को ठूंट के नीचे ही रखना है, क्योंकि अगर आप ऊपर चढ़ाते हैं तो उससे डिस्टर्बेंस होगा और बच्चे को इससे दर्द हो सकता है। क्योंकि अभी बच्चा नवजात शिशु है और बच्चे का जब जन्म लेता है बच्चा तो 5 से 15 दिन के बीच ये ठूंट जो है वो अपने आप सूख के और गिर जाता है।
अपने आप अगर नहीं सूखता है तो आपको खींचने की उसको जरूरत नहीं है, उसको वैसे ही रहने देना है। अगर जरा सा लटक भी रहा है तो आपको डॉक्टर से एक बार जरूर बात इस बारे में कर लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए या फिर आपको कोई पाउडर या ऑयल या कुछ भी ऐसा सजेस्ट कर पाए जिससे बच्चे का जो ठूठ है वो एक दिन में ही सूख के गिर जाए। चौथे पॉइंट पर हम बात करेंगे बच्चे को डायपर से जुड़ी जो केयर है उसके बारे में। नवजात शिशु को हम डायपर पहनाते हैं, लेकिन कुछ बातों का हमें ऐसे ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा है, उसकी जो स्किन है बहुत सॉफ्ट है, बहुत सेंसिटिव है। अगर हम उसका ठीक से ध्यान नहीं रखेंगे तब बच्चे को जैसे छोटे छोटे दाने हो सकते हैं, रैश हो सकते हैं या पपड़ीदार जो बच्चे की स्किन है वो हो सकती है। इसलिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप बच्चे को बच्चा जैसे ठीक से दूध पी रहा है, अच्छे से दूध पी रहा है, तो जाहिर है कि बच्चा ज़्यादा यूरिन पास करेगा और ज़्यादा पॉटी करेगा। तो जब बच्चा ज़्यादा यूरिन पास कर रहा है तो आपको डायपर 3 से 4 घंटे में चेंज कर देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का डायपर कुछ ज़्यादा ही भर रहा है तब आपको थोड़ा सा जल्दी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर गीला डायपर रहेगा तो बच्चे को रैश होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जब आप बच्चे का डायपर चेंज कर रहे हो तो पुराना डायपर जब आप रिमूव करें उसके बाद आपको गुनगुने पानी से साफ करना है उस प्राइवेट पार्ट को। साफ करने के बाद जो कॉटन का जो सूखा कपड़ा है उससे इस तरह से आपको करना है, फिर थोड़ी खुली हवा लगानी है, उसके बाद कोकोनट ऑयल या फिर डायपर रैश क्रीम आपको लगा लेना है, जिससे बच्चे को अगर आप दोबारा से डायपर पहनाते हैं तो कोई भी रैश या एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं फेस करनी पड़ेगी। अगर आप बच्चे को रैश क्रीम नहीं लगाते हैं तब बच्चे को ज़्यादा डायपर रैश हो जाते हैं तो आप कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि डायपर रैश क्रीम जो है वो रैश हो तभी लगाई जाती है, वो जब भी आप डायपर पहना रहे हैं उससे पहले रैश क्रीम आपको एक बार जरूर लगानी है, इससे बच्चों को एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम से आप बचा सकते। और अगर आपको बच्चे की स्किन ज़्यादा रेड दिखती हो, दानेदार दिखती हो या पपड़ीदार दिखती हो या फिर जलन वाली बच्चे की स्किन अगर आपको दिखती है तो आपको तुरंत डॉक्टर से इस बारे में बात करनी चाहिए। पांचवें पॉइंट पर हम बात करेंगे शिशु को नहलाने से लेकर। तो शिशु को नहलाना हमें क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम शिशु को नहलाते हैं तो उसके जो शरीर के जो जर्म्स होते हैं वो तो निकलते ही हैं, साथ में बच्चा एक्टिव रहता है, बच्चे को अच्छी नींद आती है। इसलिए शिशु को हफ्ते में 2 से 3 बार नहलाना काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अगर आप बच्चे को जैसे आप अकेले हैं और बच्चे को डेली नहीं नहला पा रहे हैं या फिर हफ्ते में 2 बार नहीं नहला पा रहे हैं तो आप स्पंज बॉथ भी बच्चे को दे सकते हैं। जैसे आपको गुनगुना पानी लेना है, कॉटन का कपड़ा लेना है, उसको डिप करना है और पूरे शरीर को पोंछ देना है, और जब आप प्राइवेट एरिया को क्लीन करें तब आपको पानी चेंज कर देना है, वो टॉवल से प्राइवेट एरिया को साफ करके पानी को फिर फेंक देना है, वो पानी आपको और कहीं पे यूज नहीं करना है। इससे बच्चों को इन्फेक्शन से हम बचा सकते हैं। तो बच्चों को अगर हम रोज नहलाते हैं, एक दिन छोड़ के नहलाते हैं या फिर हफ्ते में 2-3 दिन नहलाते हैं तब बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बच्चों को बहुत अच्छी नींद आती है। नहलाते समय आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना चाहिए, जैसे आप जिस साबुन से नहला रहे हैं वो टीयर फ्री होना चाहिए, या फिर जो भी शैम्पू या बॉडी वॉश यूज कर रहे हैं वो भी टीयर फ्री होना चाहिए और बच्चों की आंखों में नहीं जाना चाहिए। जब भी आप नहलाएं तो आप अकेले ना नहला के किसी की हेल्प लेके नहलाइए, तब बच्चे को आप अच्छे से नहला सकते। अगले पॉइंट पर हम बात करेंगे शिशु की मालिश को लेकर। शिशु की मालिश हमें डेली करनी चाहिए और दिन में 2 से 3 बार आपको मालिश करनी चाहिए। मालिश के लिए आप ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल या फिर आलमंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। ये चारों ऑयल जो है वो नेचुरल होने चाहिए, कोई भी इसमें अलग ब्रांड के नहीं होने चाहिए, बिल्कुल प्योर होने चाहिए। जो आपको लगता है कि ये बच्चे के लिए बिल्कुल सही है वही ऑयल आपको यूज़ करना है, कोई भी वैसा ऑयल आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आप कोकोनट ऑयल ले रहे हैं तो पैरासूट का ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, और मस्टर्ड ऑयल आप प्योर ले सकते हैं, तो आलमंड ऑयल है वो आप रोगन डाबर का ले सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, और ऑलिव ऑयल आप फिगारो का ले सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो मालिश करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे को तनाव से मुक्त रहता है अगर आप बच्चे की डेली मसाज करते हैं। बच्चे का जो पाचन तंत्र है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, बच्चे को नींद अच्छी आती है, बच्चा एक्टिव रहता है। लेटे लेटे बच्चे का जो शरीर है वो दुखने लगता है, दर्द होता है उसमें और वो बता नहीं पाता है, इसलिए अगर हम बच्चे की मसाज करते हैं तो इससे बच्चों को राहत दिला सकते हैं। बच्चे के मानसिक विकास के लिए, बच्चे के शारीरिक विकास के लिए, बच्चे के वजन बढ़ाने के लिए हमें बच्चे की मालिश दिन में 2 से 3 बार जरूर करनी चाहिए। एक तो आप सुबह उठते ही करें, एक रात में सोने से पहले करें और एक दोपहर के टाइम पे आप कर सकते हैं। अगले पॉइंट पर हम बात करेंगे कि शिशु को कैसे पकड़े। नवजात शिशु जो है वो उसकी जो हड्डियां हैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं,
अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही में बच्चे को पकड़ लेते हैं जो बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए बच्चे को जब भी आप पकड़े तो उसके सिर पे ऐसे हाथ लगा के आपको पकड़ना है और थोड़ा सा सहारा अपने पेट का देना है और नीचे से हिप्स के पार्ट को आपको पकड़ना है। और जब भी आप बच्चे को पकड़ रहे हैं तो नीचे आपको ब्लैंकेट या कुछ भी ऐसे साथ में पकड़ना है ताकि बच्चे के जो शरीर है वो अलग अलग ना हो जाए, क्योंकि जो नवजात शिशु है उसके जो बॉडी है वो अभी उसकी जो हड्डियाँ है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो वो हाथ उसका अलग लटक जाता है, पैर अलग लटक रही है, सिर गर्दन अलग लटक रही है, क्योंकि गर्दन अभी उसकी संभली नहीं है, तो हर अंग अलग अलग सा होता है। और जब हम उसको ब्लैंकेट में या फिर रैप करके लेते हैं तो बच्चा एक सही पोजिशन में रहता है और बच्चे के जो शरीर के अंग हैं वो इधर उधर नहीं होते हैं, हाथ अलग पैर अलग ऐसा नहीं होता। इसलिए जब भी आप बच्चे को पकड़ रहे हो तो हाथ आपको ऊपर लगाना है, एक हाथ नीचे लगाना है, पेट का सहारा देना है और नीचे ब्लैंकेट जरूर लेना है। इससे बच्चे को पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। बच्चा आपका नवजात शिशु है तो उसको उछालने की कोशिश ना करें, या फिर जब आपने दूध पिलाया तो उसको अपने ऊपर उल्टा इस तरह से लेटाने की ज़रूरत नहीं है, इससे बच्चा वॉमिटिंग कर सकता है। बच्चे को उछाले ना, बच्चे को जोर से ना हिलाएं, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी बच्चे के साथ ना करें जो बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो। अगले पॉइंट पर हम बात करेंगे शिशु को संभालने से लेकर। तो जो नए पेरेंट्स बने होते हैं उन्हें शिशु को संभालना नहीं आता है, उनके लिए ये बहुत बड़ा मुश्किल टाइम रहता है अकेले बच्चे को संभालना। तो ऐसे में आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे जब भी आप बच्चे को उठा रहे हैं या फिर आपसे कोई मिलने आ रहा है तो उसके आपको हैंड वॉश कराना है, सैनिटाइज करानी है, ताकि कोई भी जर्म्स बच्चे तक ना पहुंचे, क्योंकि अभी बच्चा नवजात शिशु है, अभी गर्भ से निकला है तो उसको इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। इसलिए आपको साफ सफाई का उस टाइम पे ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका बच्चा ज़्यादा रो रहा है तो ये गैस का कारण हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग डेज में बच्चे जो है वो दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जिस वजह से उन्हें वॉमिटिंग होती है, गैस बनती है, या फिर मदर कुछ ऐसा खा लेती है जिसकी वजह से बच्चे को गैस जैसी प्रॉब्लम होने लगती है, बच्चे के पेट में मरोड़ होती है, दर्द होती है, जिसकी वजह से बच्चा बहुत रोता है, या फिर बच्चा जहाँ पे लेटा है वो इन्वायरमेंट में या तो शोर है या फिर कुछ ऐसा है जिससे बच्चा चिढ़ रहा है, तो उस चीज़ को ध्यान रखिए। या फिर बच्चे ने डायपर गीला कर दिया है या फिर बिस्तर गीला कर दिया है, कुछ ऐसी बातें भी आपको ध्यान रखने की जरूरत। इसके साथ ही आपको कुछ बातों का और ध्यान रखने की जरूरत है कि बच्चे का मन बहलाने के लिए आपको बच्चे से बातें करनी होंगी, बच्चे को लोरी सुनानी होगी, जिससे जितना ज़्यादा बच्चा आपकी आवाज़ सुनेगा या आपके पास रहेगा, आपको आपका टच उसको मिलेगा, तो बच्चा उतनी जल्दी और आपकी और बच्चे की बॉन्डिंग उतनी जल्दी स्ट्रांग हो जाएगी और बच्चा खुद को आपके पास ज़्यादा सेफ फील करेगा। इसलिए इन बातों का आपको ध्यान रखना है। गैस से रिलेटेड जो वीडियो है चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। अगले पॉइंट पर हम बात करेंगे शिशु को सुलाने से लेकर। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि नवजात शिशु 18 से 20 घंटे लगभग सो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी सो सकते हैं। तो वो हमेशा सोते ही रहते हैं, बस थोड़ा बहुत ही जागते हैं और थोड़ा बहुत बस हुन हुन करते हैं और उतनी देर में या तो वो सुसु कर लेते हैं या फिर वो मुँह के लिए उठते हैं। तो इसी में माँ को समझना है कि उसका डायपर गीला है या फिर बच्चे ने सुसु कर लिया है या फिर उसको भूख लगी है, क्योंकि उसका पेट अभी बहुत ज़्यादा छोटा है, उसमें थोड़ा सा ही दूध आता है और बच्चा जल्दी से डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए बार बार उसे भूख लगती है। तो ये उसे हर 2 से 2.5 घंटे में आपको फीड कराने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं सुलाने की। तो सुलाने के लिए आप कुछ टिप्स अपना सकते हैं, जैसे सुलाने से पहले आप बच्चे का पेट भरा होना चाहिए तो बच्चे को अच्छी नींद आएगी, बच्चे की आप अगर मसाज करते हैं तब बच्चे को बहुत अच्छी नींद आती है, बच्चा रिलैक्स होके सोता है। तीसरा, अगर बच्चे का जैसे पैर दबा देते हैं, हाथ दबा देते हैं, या बच्चे के जैसे पीठ के बल लेटे हैं, पीठ पे जैसे हाथ फेर देते हैं हल्का हल्का, तब भी बच्चे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सुलाने की आदत के लिए आप बच्चे को एक ही टाइम पे डेली सुलाइए, इससे बच्चों में एक आदत बन जाएगी, एक रूटीन बच्चे फॉलो करने लगेंगे धीरे धीरे, और 7 से 8 दिन में आपको खुद ही पता चलने लगेगा कि मेरा बच्चा इस टाइम पे सोता है, इस टाइम जागता है, इस टाइम खाता है, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको एक रूटीन सेट करना होगा कि बच्चे की कब मालिश करनी है, बच्चे को कब दूध पिलाना है, बच्चे को कब लोरी सुनानी है, सारा रूटीन आपको कुछ दिनों में सेट करना होगा। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा और बच्चे को भी एक माइंड में सेट हो जाएगा कि इस टाइम पे सोना है, क्योंकि भले ही बच्चा छोटा है लेकिन हर बात वो समझ रहा है।
बच्चे को सुलाने के लिए आप सेफ पोजीशन चुने, जैसे पीठ के बल ही लिटाना है, कोई भी करवट देख के टेढ़ा मेढ़ा करके आपको नहीं सुलाना है। और जो नवजात शिशु होते हैं उन्हें रैप करके रखा जाता है ताकि उनको अच्छी नींद, और नवजात शिशु का जो चेहरा है वो हमेशा खुला रहना चाहिए। कोई भी चादर आप उसके पेट तक डाल सकते हैं, इसके ऊपर अगर आप डालते हैं तो बच्चा क्या है कि हाथ पैर चला के टेढ़ा मेढ़ा करके मुंह को ढक सकता है, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए चादर थोड़ा सा नीचे रखिए और रैप करके सुलाइए, इससे बच्चों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, काफी अच्छी नींद आती है। हम बात करेंगे शिशु के नेल्स को लेके। शिशु के जो नेल्स हैं अभी बहुत सॉफ्ट हैं, लेकिन अभी भी बच्चे खुद को खरोच मार लेते हैं, खुद को चोट लगा लेते हैं, इसलिए उसके नेल्स आपको साफ करके रखने चाहिए, कट करके रखने चाहिए ताकि वो खुद को चोट ना लगाएं। और दूसरा, बच्चे कभी कभी मुंह में हाथ डाल लेते हैं, चाटने लगते हैं मुंह, जिससे कोई जर्म उसके पेट में जा सकता है, वो इन्फेक्शन कर सकता है। तो नहला रहे हैं आप तो नहलाते टाइम आप बच्चे के नाखून या हाथ को ऐसे साफ करिए कि उसके नेल साफ हो जाए। उसके बाद जब बच्चा आपका सो जाता है तो सोते टाइम आप सीजर से या नेल कटर से आप उसके ट्रिम करिए नेल्स, ताकि वो खुद को चोट ना लगाए। तो ये थे नवजात शिशु की देखभाल से रिलेटेड 10 ऐसे पॉइंट जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप और भी नवजात शिशु से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पेरेंटिंग वीडियोस के लिए।